हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम वेस्कुलाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। वेस्कुलाइटिस एक कॉमन स्किन प्रॉब्लम है, या हम कह सकते हैं कि इसके पेशेंट हमारे ओपीडी में मतलब काफ़ी तादाद में आते हैं। तो जीपीस के पास भी जाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे घूम फिर के फिर अल्टीमेटली वो स्किन वालों के पास ही आते हैं। तो जो हमारे जीपीज़ हैं या जो हमारे बिगिनर हैं ट्रेनीज इन डर्मेटोलॉजी, उनके लिए ये बहुत जो है ना यूज़फुल वीडियो है। ये आप देख सकते हैं, हम इसको जो अपनी लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं पैल्पेबल परपरा। ये जो रेड रेड आपको निशान नज़र आ रहे हैं पिक्चर में, तो ऑब्वियसली आप नहीं देख सकते कि ये फील होते हैं या नहीं, लेकिन हम जब हमारे पास पेशेंट आते हैं हम इसकी डायस्कोपी करते हैं कि ये प्रेशर अप्लाई करने से ग्लास स्लाइड से ये डिसअपियर नहीं होते, यानी ये पैल्पेबल परपरा है और नॉन ब्लांचेबल है। परपरा होता ही नॉन ब्लांचेबल है। अब ये निशान कहाँ कहाँ होते हैं, पेशेंट हिस्ट्री देता है कि उसको पहले पाँव पे बने, हाथों पे और स्पेशली बटक्स पे भी बनते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ और बटक्स जो है ना वो मोस्ट कॉमन साइट्स हैं। बॉडी के किसी हिस्से पे भी हो सकते हैं, एब्डोमेन पे भी हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पेशेंट का, यूजुअली इनमें कोई ख़ारिश नहीं होती, इचिंग वगैरह कोई नहीं होती, बस ये पेशेंट इनकी हिस्ट्री देता है। ये इस शक्ल में भी बन सकते हैं, एरिथमेटस पैचेज एंड प्लाक्स बन सकते हैं, वेजिकल्स और बुलास की शक्ल में भी लोअर लिम्ब पे और हाथों पे ये अपीयर हो सकते हैं। ये दूसरा पेशेंट है, ये देखें, ये इस शक्ल में भी अपीयर हो सकते हैं। जो आपको थोड़े लाइट कलर के निशान नज़र आ रहे हैं वो रिजॉल्व्ड हैं। पेशेंट को एक दफ़ा एक क्रॉप आई, फिर उसके बाद दूसरी ये फ्रेश फ्रेश जो रेड रेड लीजन आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह से, ये फ्रेश लीजन्स हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत एक्सटेंसिव है। अब ये जो है वेस्कुलाइटिस, तो बहुत एक ब्रॉड टर्म है। बेसिकली ये स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस में इस तरह की परपरिक लीजन्स आती हैं, मीडियम साइज वेस्कुलाइटिस जो है उसमें भी आ सकते हैं, लेकिन यूजुअली स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस। अब स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस की डिफरेंट टाइप्स हैं। जो कॉमनली पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वो होते हैं या तो स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस की जो एक टाइप है हेनॉक शानलिन परपरा, जिसमें एक ट्राइड बनता है। पेशेंट हिस्ट्री देता है कि उसके जोड़ों में भी दर्द है और यूरिन भी फ्रॉथी है, और उसके साथ साथ जो है उसकी एब्डोमिनल सिम्टम्स भी होती हैं। तो ये एक ट्राइड बनता है, तो उसको हम फिर हेनॉक शानलिन परपरा कहते हैं। ये आप सारा देखें, ये ट्रंक पे भी यही सेम लीजन्स हैं वही। अब ये होता क्यों है, ये जो स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस है, तो मोस्ट कॉमन काजेज तो इसकी इन्फेक्शन्स हैं। मतलब पेशेंट हिस्ट्री देता है उसका पहले से गला ख़राब था, या उसका कुछ अर्सा पहले पेट ख़राब हुआ है, या किसी भी किस्म की इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी और सी के साथ इसकी एसोसिएशन है, या फिर पेशेंट की हिस्ट्री होती है उसने किसी मसले के लिए कोई मेडिसिन ली है, एनी ड्रग कैन गिव एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी जो है ना वो मेडिसिन से या ये ड्रग एज ड्रग रिएक्शन भी प्रेजेंट कर सकता है, या फिर जो अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे SLE है, और जो हमारे दूसरे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं उनके साथ भी वेस्कुलाइटिस की एसोसिएशन है। एक जो चौथी चीज़ है जिसमें पेशेंट से हिस्ट्री लेनी चाहिए एनोरेक्सिया वेट लॉस की, वो है मेलिग्नेंसी, यानी अंडरलाइन कोई कार्सिनोमा या कोई कैंसर ना हो। 50% केसेस में सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी कोई कॉज नहीं मिलती, तो फिर हम इसको इडियोपैथिक लेबल करते हैं। अब जब पेशेंट पहली दफ़ा आता है तो आप इसकी बहुत ब्रॉड इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, लेकिन जो पहला स्टेप है जो इन्वेस्टिगेशन हमें चाहिए होती हैं वो हम CBC करवाते हैं। उसमें हम उसकी तीनों सेल लाइन देखते हैं, HB, WBC, प्लेटलेट्स, फिर उसके साथ हम ESR देखते हैं, ANAR फैक्टर मस्ट करवाना है ताकि कोई अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ को हम
देख सकें। यूरिन कंप्लीट हम करवाते हैं प्रोटीन यूरिया के लिए के कहीं इसके साथ हो, क्यूटेनियस स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस है या हेनोक्शानलिन परपरा है। उसके बाद हम जो है वो चेस्ट एक्सरे करवाते हैं कि अंडरलाइन चेस्ट का इन्फेक्शन तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड एब्डामन करवाते हैं और वायरल मार्कर्स हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट करवाते हैं। अब हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट यूजुअली पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होती, या तो अगर हमें कोई काज मिलती है तो हम उस काज को ट्रीट करते हैं, कोई इन्फेक्शन है तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक देते हैं। अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो वो मेडिसिन जिसकी वजह से हमें लगता है कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली ये काज है तो उस मेडिसिन को स्टॉप करवाते हैं। अगर मेलेग्नेंसी के लिए वर्कअप करते हैं फिर वो जाहिर सी बात है मेलेग्नेंसी का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर इडियोपैथिक है तो फिर हम सिर्फ लगाने वाली टॉपिकल स्टीरॉयड्स देते हैं, उससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। एंटी स्टमिन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये लीजन इनमें कोई ख़ारिश वगैरह नहीं होती। अगर पेशेंट आपके स्टीरॉयड को रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो जो लगाने वाले स्टीरॉयड, फिर हम खाने के लिए शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉयड देते हैं। प्रेडनिसोलोन 5 मिलीग्राम की टैबलेट दो सुबह दो दोपहर में या आफ्टरनून देने के बाद फिर हम इसको 3 दिन के लिए 2+2 देते हैं, फिर नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए 1+1, फिर उससे नेक्स्ट 3 डेज़ 1 टैबलेट इन द मॉर्निंग दे के इसको शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉयड को हम ख़त्म कर देते हैं। अगर इससे भी फ़र्क ना पड़े पेशेंट को, फिर और क्रॉप्स आ जाएँ तो फिर हम डेप्सोन भी दे सकते हैं, लेकिन डेप्सोन के जाहिर सी बात है अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और जो दूसरी स्टीरॉयड के बाद जो ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाती है वो कोल्चिसिन है। कोल्चिसिन इजीली, डेप्सोन और कोल्चिसिन इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते लेकिन किसी ख़ास ख़ास जगहों पर मिलते हैं, तो उसमें कोल्चिसिन की डोज भी 0.6 मिलीग्राम है। वो भी इसके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो आपने उसकी केयर करनी है, पेशेंट को खाने के साथ देनी है और इनिशियली स्मॉल डोज से शुरू करें। अगर इन सारी चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़े तो फिर हम दूसरे जो अमीनो सप्रेसेंट हैं उनके बारे में सोच सकते हैं। एक स्टेप लैडर पैटर्न के जो अप्रोच होती है हमारी ट्रीटमेंट में, हम उसको फॉलो करते हैं। प्रोग्नोसिस क्या है, यानी इसका आउटकम क्या है, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है नहीं। अक्सर केसेस में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है और अगर कोई ट्रीटेबल काज है तो फिर तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इडियोपैथिक है तो कुछ पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते, उनको मल्टीपल क्रॉप्स आती रहती हैं। हमारे पास एक पेशेंट आता है जिसकी 25 है और उसको जब ये 6 साल का था तब से वो ये क्रॉप्स आ रही हैं, उसके साथ उसको और कोई सिम्टम नहीं है, तो इसलिए ये इट मे बिकम क्रॉनिक। थैंक यू।